रामचंद्र रेड्डी से 55 करोड़ के चंदे का भारतीय जनता पार्टी को दिया गया, उसका जब एक पुख्ता प्रमाण आ गया है, तो पिछले 16 दिन में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पे क्या जांच करी है, कितने समन भेजे हैं, कितनी रेड करी हैं और कितनी गिरफ्तारियां करी हैं, ये है मेरा ईडी से पहला सवाल। मेरा ईडी से दूसरा सवाल कि जब सिर्फ मनी ट्रेल की आशंका पर आपने आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में कहा कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाएंगे, तो जब 55 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी को जा रही है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी कब तक बनाएगा? मेरा ईडी को तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को समन कब जाएगा, उनके यहां रेड कब होगी और उनकी गिरफ्तारी कब होगी, इसका जवाब ईडी को देना होगा। इसके अलावा इस पूरी जांच में 2 साल से ईडी गोवा चुनाव की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कहते हैं कि जी मनी ट्रेल गोवा चुनाव तक जाती है, तो जो चुनाव 2 साल पहले हुआ, आज उसके कैंडिडेट को बुला रहे हैं, आज उसके पोस्टर वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे टेंट लगाने वाले को बुला रहे हैं, आज वहां पे कुर्सी लगाने वाले को बुला रहे हैं, इस मान्यता के आधार पर कि चुनाव प्रचार में बहुत पैसा खर्च होता है। लेकिन चुनाव से जुड़ी हुई एक और बड़ी मान्यता भी है कि कोई भी व्यक्ति टिकट लेने के लिए पार्टियों को पैसा देते हैं। तो जब 29 मार्च को शराब घोटाले के एक और आरोपी मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी से टिकट मिलता है, तो क्या ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा ने भारतीय जनता पार्टी के एलाय टीडीपी को कुछ पैसे तो नहीं दिए क्या? क्या ईडी ने इस पर जांच शुरू करी है? पांचवा सवाल कि आज तो आप 2 साल पुराने गोवा चुनाव पर जांच कर रहे हैं, मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी और उनके बेटे राघव मगुंटा का चुनाव तो आज चल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, आपने क्या उनके चुनाव प्रचार पर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा कहां खर्च हो रहा है, वो पोस्टर कैसे लगा रहे हैं, वो कुर्सी कैसे लगा रहे हैं, वो साउंड सिस्टम कैसे लगा रहे हैं, वो अपना प्रचार कैसे कर रहे हैं? उसकी मनी ट्रेल देखने के लिए आपको 2 साल बाद किसी गवाहों को बुलाने की जरूरत नहीं है, वो चुनाव आज चल रहा है। तो ये मेरा ईडी से आखिरी सवाल है कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टनर टीडीपी के चुनाव प्रचार की इन्वेस्टिगेशन शुरू की है क्या?